गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट वेलकम टू ऑल वेलकम टू अर मैथ सेशन स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पैटर्स सो ओपन द ट एक्जिपेशन वन हंड्रेड फिफ्टीन सो माई डियर स्टूडेंट यू आर ऑलरेडी विद द वर्ड पैटर्न एंड यू नो हाउ टू क्रिएट पैटर्न्स ओके सो वैन क्रिएटिंग अ पैटर्न विद डिजाइंस द डिजाइन रिपीट जब हम पैटर्न क्रिएट करते हैं तब क्या होती जाती है डिजाइन रिपीट होती जाती है बट वेन वी क्रिएट अ पैटर्न यूजिंग नंबर्स द नंबर्स मे नॉट रिपीट बट जब हम नंबर्स के साथ कोई पैटर्न रिपीट करते हैं तो नंबर्स जनरली रिपीट नहीं होते हैं पैटर्न इन नंबर्स रेफर्स टू बी टू द लॉजिक बाय विच द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज जनरेटेड टेक अ लुक एट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अब देखो जो नंबर्स का पैटर्न होता है वो हमें लॉजिक लगाना पड़ता है उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना होता है तभी वो नंबर्स का सीक्वेंस हमें समझ में आता है और कोई लॉजिक के बाद ही वो नंबर्स का पैटर्न क्या होता है जनरेट होता है क्रिएट होता है ओके okay? सो so, कुछ यहाँ पे नीचे पैटर्न्स दिए हैं वो हमें ऑब्जर्व करने हैं और बाद में उनका सीक्वेंस लगाना है ओके टेक अ लुक एट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वन टू फोर एट सिक्सटीन एटी थर्टी टू सो इसमें आप क्या लॉजिक लगाओगे स्टूडेंट अब देखो वन के बाद क्या आया है टू देन टू के बाद आया है टू प्लस टू फोर देन फोर प्लस फोर एट एट प्लस एट सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस सिक्सटी थर्टी टू थर्टी टू प्लस थर्टी टू सिक्सटी फोर मीन्स टू इंटू टू भी आप करते हो तो फोर आएगा फोर इंटू टू एट एट इंटू टू सिक्सटीन सिक्सटी इंटू टू थर्टी टू थर्टी टू इंटू टू सिक्सटी फोर मतलब आप ये आपको क्या करना है लॉजिक लगाना है टू वैसे आ रहा है इसका पैटर्न ओके okay? अब देखो नेक्स्ट हियर ईच नंबर इज द डबल ऑफ द प्रीवियस नंबर ओके यहाँ पे हर एक नंबर डबल हो रहा है देन हियर ईच नंबर इज ऑप्टेन बाय एडिंग थ्री टू द प्रीवियस नंबर और अगर हम प्रीवियस नंबर में और एड थ्री करते हैं तो भी ये पैटर्न बनता है आर यू एबल टू गेस वॉट विल बी द नेक्स्ट नंबर आपको पता है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा सो लुक हियर वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस फोर सेवन सेवन प्लस एट फिफ्टीन अब देखो यहाँ पे कैसे पैटर्न बन रहा है स्टूडेंट कि फर्स्ट नंबर में यहाँ पे टू ऐड किए तो थ्री मिल गया देन सेकेंड नंबर में फोर ऐड किए तो सेवन मिल गया देन मतलब टू का टेबल यहाँ पे तैयार हो है। टू फोर एट देन सिक्सटीन फिफ्टीन में अगर सिक्सटीन ऐड करते तो थर्टी वन देन नेक्स्ट क्या आता है एटीन सो थर्टी वन में अगर हम एटीन ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा सो एट प्लस वन नाइन एंड वन प्लस थ्री फोर सो नेक्स्ट नंबर इज फोर्टी नाइन अगर आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो ट्वेंटी मिलाने होंगे ओके सो ये आपको लॉजिक लगाना है ठीक है आर यू एबल टू गेस वॉट विल व नेक्स्ट नंबर जो हमने फाइंड आउट कर लिया है ऑलरेडी लेट इस ऑब्जर्व द पैटर्न फॉलो बिलो वन इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री थ्री इंटू टू प्लस वन सेवन देन सेवन इंटू टू प्लस वन फिफ्टीन देन फिफ्टीन इंटू टू प्लस वन थर्टी वन सो बहुत सारे लॉजिक्स लगा के आप नंबर्स के पैटर्न फाइंड आउट कर सकते होके देन नेक्स्ट ट्राई दिस राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस यहाँ पर हमें नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करनी है देन वन इंटू फोर 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 इंटू फोर सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन सॉरी सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर ओके सो ये आपको आगे क्या आएगा देखो सिक्सटी फोर इंटू फोर आपको करना होगा है ना वन इंटू फोर फोर आया है देन फोर इंटू फोर सिक्सटीन आया है सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर मतलब सिक्सटी फोर फोर से मल्टीप्लाइड हो रही है नंबर्स ओके सो सिक्सटी फोर इंटू फोर ये आप करके देखो ओके okay? जो नंबर आएगा उससे उसको फिर से फोर से मल्टीप्लाई करना है तो आपको ये पैटर्न मिल जाएगा ओके देन नेक्स्ट टू थ्री फाइव नाइन सेवनटीन टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस फोर नाइन देन नाइन प्लस एट सेवेंटीन तो आगे क्या प्लस करना होगा देखो हमें वन टू फोर एट सिक्सटीन ओके सो ये डबल होते जा रहे हैं वन प्लस वन टू टू प्लस टू फोर फोर प्लस फोर एट एट प्लस एट सिक्सटीन और वो ऊपर के नंबर्स में ऐड होता जा रहा है वो डिफरेंस ओके सो सेवेंटीन प्लस सिक्सटीन क्या आएगा थर्टी थ्री देन आगे क्या ऐड होगा थर्टी टू एड होगा सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू देन थर्टी थ्री प्लस थर्टी टू हाउ मेनी सिक्सटी फाइव ओके सो ऐसा ही पैटर्न बन रहा है देन ये yes, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना थोड़ा सा लॉजिक आप भी लगा लो है ना नेक्स्ट पेज स्क्वेयर नंबर्स सो व्हाट इज मीन बाय स्क्र नंबर्स तो so स्टूडेंट ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आगे जाके बहुत काम में आने वाला है तो आपको ये जो टॉपिक्स है इन पे कॉन्सेंट्रेट करना है ओके सो व्हाट इज मीड बाई स्क्वेयर नंबर्स वी कैन फॉर्म पैटर्न्स बाय अरेंजिंग डॉट्स टू फॉर्म स्क्वेयर्स ऑफ डिफरेंट साइड्स काउंट द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच फिगर हम क्या कर सकते हैं स्क्वेयर नंबर का अलग डॉट्स uh, दे के पैटर्न फॉर्म कर सकते हैं तो देखो वन देन वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फोर 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 सिक्सटीन ओके सो वी कैन एक्सटेंड दिस पैटर्न टू ऑपटेन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर हम ये पैटर्न नंबर के सिक्वेंस से क्या कर सकते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसा ही स्क्वेयर पैटर्न बन रहा है ना ये डॉट्स की अरेंजमेंट देखो स्क्वेयर जैसे है ना देन वन फोर नाइन सिक्सटीन हियर ईच नंबर इज ऑप्टेन बाई मल्टीप्लाइंग नंबर्स वन टू थ्री टू ईट सेल इन ऑर्डर ये जो स्क्वेयर नंबर की ऑर्डर आती है स्टूडेंट तो वो नंबर क्या होता है ख़ुद से मल्टीप्लाई होता है वो जो स्क्वेयर्स होते हैं वन इंटू वन 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 का स्क्वायर क्या आया फिर वन आया देन टू इंटू टू फोर टू का स्क्वेयर फोर आता है देन थ्री इंटू थ्री नाइन थ्री का स्क्यर नाइन आता है देन फोर इंटू फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन आता है तो ये जो उनका प्रोडक्ट आता है इनको क्या बोलते हैं नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं उसी नंबर को उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाता है उस नंबर का स्क्वेयर नंबर मिल जाता है ये उसका स्क्वेयर नंबर होगा और इससे ये पैटर्न फॉर्म होगा ओके जो स्क्वेयर फॉर्म में आएगा सच नंबर आर कॉल्ड स्क्वेयर नंबर जो नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होते हैं और बाद में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट को हम स्क्र नंबर्स में फॉर्म कर स्क्र uh, नंबर के पैटर्न में फॉर्म कर सकते हैं राइट द नेक्स्ट टू स्क्र नंबर्स फॉर द सिक्वेंस वन फोर नाइन सिक्सटीन वन इंटू वन वन स्क्वेयर नंबर आ गया देन टू इंटू टू फोर स्क्वेयर नंबर आ गया देन थ्री का स्क्वेयर नंबर क्या है नाइन फोर का स्क्वेयर क्या है सिक्सटीन फाइव का स्क्वेयर क्या है ट्वेंटी फाइव सिक्स का स्क्वेयर क्या है थर्टी सिक्स स्क्वेयर मीन्स क्या वो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना अब आप वन टू टेन स्क्वेयर लर्न कर लो ओके इंटू वन वन टू इंटू टू फोर थ्री इंटू थ्री नाइन फोर इंटू फोर सिक्सटीन फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन एट इंटू एट सिक्सटी फोर नाइन इंटू नाइन एटी वन एंड टेन इंटू टेन हंड्रेड अगर आपको पूछा गया वन का स्क्वायर क्या है तो वन टू का स्क्वायर क्या है फोर थ्री का स्क्वायर क्या है नाइन फोर का स्क्वायर है सिक्सटीन सो so, ये क्या है स्क्वायर नंबर से ये आप लर्न कर लो सिक्वेंस से ओके सो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है आई होप कि आपको इस स्क्वेयर नंबर का पैटर्न समझ में आया होगा ठीक है तो आगे टाइम हमें कम पड़ सकता है इसलिए आगे के टॉपिक तो देखो आज आपको क्या करना है आपकी नोटबुक लेनी है उसमें वन टू टेन के स्क्वेयर लिखने हैं ओके वन टू टेन के स्क्वेयर नंबर कौन से है वन का स्क्वेयर होता है वन टू का स्क्वेयर होता है टू स्क्र नंबर स्क्वेयर मीन्स क्या उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना टेन तक आप लर्न करके रखो टेन का स्क्वेयर है हंड्रेड ओके सो ये जो नंबर्स है इनको क्या बोल रहे हैं प्रोडक्ट जो आया है ये नंबर्स का इनको हम स्क्वेयर नंबर्स बोलते हैं इनसे है हमारा स्क्वेयर नंबर का पैटर्न फॉर्म हो सकता है जो हमारे फो नाइन सिक्सटीन तक तो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है ट्वेंटी फाइव से आपको करना है ओके सो so, अगर आपने फाइव फाइव डॉट्स ऐसे अरेंज किए तो आपका स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव स्क्र नंबर का एक पैटर्न बनता है ओके प्रॉपरली करना है एक के नीचे एक देन थर्टी सिक्स आगे का स्क्वायर नंबर है उसके लिए आप सिक्स सिक्स डॉट लो फिर वो स्क्वेयर आपका फॉर्म हो जाएगा ठीक है तो आज का आपका ये होमवर्क है कि आपको हंड्रेड तक करने हैं डॉट्स मतलब क्या बनाने हैं स्क्र नंबर्स अरेंज करने हैं डॉट्स के साथ ओके और स्क्वेयर्स लर्न करने हैं वन टू टेन ठीक है और उसके फोटोज़ मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय